तो स्वागत है बच्चों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, किन किन पार्ट्स का मिलकर बना है और इनके फंक्शंस क्या है। देखिए बच्चों, पहला इसका पार्ट आता है नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स क्या है? बॉडी का वो पार्ट होता है जिसके थ्रू क्या होता है, एयर को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं। नोस्ट्रिल्स क्या है? एयर इज टेकन इनटू द बॉडी। नोस्ट्रिल वो पार्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग एयर को अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं, लेते हैं। नेसल पैसेज क्या होता है बच्चों? नेसल पैसेज क्या है? नेसल पैसेज नोज का वो हिस्सा है जिसके थ्रू एयर क्या करता है, फ्लो करने का काम करता है। नेसल पैसेज इज अ पार्ट थ्रू विच एयर फ्लोस, इट इज अ पार्ट ऑफ नोज थ्रू विच एयर फ्लोस इनसाइड द बॉडी। मतलब नेसल पैसेज क्या है? वो शरीर का हिस्सा है जिसमें नोज का वो हिस्सा है जिसमें एयर क्या करता है, फ्लो करता है। इट इज अ चैनल। चैनल मतलब रास्ता, ठीक है? वो टीवी वाला चैनल नहीं, क्या है? रास्ता। चैनल का मतलब रास्ता। चैनल फॉर द एयर फ्लो थ्रू द नोज, मतलब ये क्या है, एक रास्ता है जिसके थ्रू क्या करता है, नोज में एक रास्ता है जिसके थ्रू एयर क्या करता है, फ्लो करता है। फिर बच्चों आता है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी क्या आता है? इट इज अ लाइंड विथ हेयर, हेयर विच फिल्टर्स द एयर। देखिए बच्चों, नेसल कैविटी क्या होती है? जो आपके नाक के अंदर जो खाली जगह होती है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, नेसल कैविटी कहते हैं। नेसल कैविटी एक्चुअली में क्या होती है, जो आपके नाक के अंदर खाली जगह होती है उसे नेसल कैविटी कहते हैं। अब इस नेसल कैविटी में क्या होते हैं बच्चों, फाइन हेयर पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइन हेयर पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। फिल्टर करने इन द सेंस क्या है कि आपको स्मोक डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ये फिल्टर करने का काम करते हैं। एयर को प्योरीफाई नहीं करेंगे, ये केवल फिल्टर करने का काम करेंगे। मतलब जो बड़े बड़े तत्व रहेंगे, डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, स्मोक रहेगा, उसको कम करने का काम करते हैं। ये कौन कम करने का काम करते हैं? आपका नेसल कैविटी में जो फाइन हेयर पार्टिकल, नेसल कैविटी नहीं करता बच्चों, नेसल कैविटी के अंदर जो फाइन हेयर पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं वो इसको फिल्टर करने का काम करते हैं। नेसल कैविटी क्या है? नोज के अंदर जो खाली जगह, उसे नेसल कैविटी कहते हैं। फिर आता है बच्चों फेरनेक्स। इट इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। देखिए बच्चों, फेरनेक्स क्या होता है ना, वो हिस्सा होता है बॉडी के अंदर जहां से क्या होता है, जो हमारा विंड पाइप है और जो फूड पाइप है वो दोनों अलग अलग होता है, ठीक है? जो हमारा विंड पाइप है और ओसोफेगस है, ओसोफेगस को क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। तो जो हमारा विंड पाइप है और फूड पाइप है, ये कौन अलग करने का काम करता है, फेरनेक्स अलग करने का काम करता है। और ये भी इंश्योर करता है कि आपका जो फूड है वो फूड पाइप में एंटर करे और जो विंड है वो कहाँ एंटर करे, विंड पाइप में एंटर करे। फिर आता है बच्चों लैरिंक्स। इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड एंड मैनिपुलेट पिच एंड वॉल्यूम। देखिए बच्चों, लैरिंक्स कहाँ होता है? ये हमारे फेरनेक्स के जस्ट नीचे क्या होता है, लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स का काम क्या होता है ना, लैरिंक्स में क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है? वोकल कॉर्ड, ये जो आपको उभरा हुआ हिस्सा दिखता है ना, ये क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है, जिसको आप लोग एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं, एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। ये वोकल कॉर्ड होता है, जब इसमें एंटर एयर एंटर करता है तो क्या होता है, ये साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो लैरिंक्स क्या होता है, वो हिस्सा होता है जिसमें क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड का मतलब वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड का मतलब वॉइस बॉक्स। इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स होता है, जो कि क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। जब इसमें एयर एंटर करता है तो वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करने का काम होता है। क्योंकि पिच और वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, साउंड हो गया, ठीक है? पिच और वॉल्यूम का मतलब कंफ्यूज नहीं हो गया, साउंड, ठीक है? साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। फिर आता है बच्चों आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? देखिए बच्चों, फेरनेक्स स्प्लिट्स इनटू ट्रैकिया एंड ओसोफेगस। इट कनेक्ट द लैरिंक्स टू द ब्रोंकी। देखिए बच्चों, लैरिंक्स क्या है आपका, फेरनेक्स क्या होता है, आगे चल के वही फेरनेक्स क्या होता है, फेरनेक्स से ही डिवीजन हो जाता है, ठीक है? फेरनेक्स से ही क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो फेरनेक्स से क्या होता है, डिवीजन होता है, तो आपका क्या बनता है, ट्रैकिया बनता है। ट्रैकिया बनता है जिसको हम लोग विंड पाइप के नाम से जानते हैं, और ओसोफेगस बनता है, इसको क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, ठीक है? और इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। तो ट्रैकिया आगे चल के क्या बनाने का काम करता है, ट्रैकिया, सॉरी फेरनेक्स आगे चल के दो पार्टों में स्प्लिट हो जाता है, एक होता है ट्रैकिया और एक होता है ओसोफेगस। अब देखिए, इट कनेक्ट द लैरिंक्स टू द ब्रोंकी। जो ट्रैकिया होता है वो किससे कनेक्ट हो जाता है, लैरिंक्स की मदद से, वो क्या हो जाता है, ब्रोंकी से कनेक्टेड रहता है। ब्रोंकी क्या, लैरिंक्स क्या है, सॉरी बच्चों, ट्रैकिया क्या है, एक पार्ट है बॉडी के अंदर, ठीक है? जो कि ट्रैकिया क्या होता है, फेरनेक्स आगे चल के ट्रैकिया में और ओसोफेगस में स्प्लिट हो जाता है, ओसोफेगस अलग हो जाता है और ट्रैकिया क्या होता है, अलग हो जाता है। ट्रैकिया क्या करता है, हमारे लैरिंक्स को ब्रोंकी से जोड़ने का काम करता है, ठीक है? इट कनेक्ट द लैरिंक्स टू द ब्रोंकी, ठीक है? जो लैरिंक्स है आपका, जो वॉइस बॉक्स वाला हिस्सा है,
और जो ब्रोंकी है, जो दो पार्ट्स निकले रहते हैं आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको कनेक्ट करने का कौन काम करता है आपका, ये ट्रैकिया कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए ये मान लीजिए आपका लैरिंक्स आ रहा है और ये आगे चल के दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ये आपके ब्रोंकीज होती है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रैकिया क्या है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया जो है ये क्या कहलाएगा, ट्रैकिया कहलाएगा, जो कि आपको यहाँ पर लैरिंक्स है, यहाँ पर लैरिंक्स है, इसको ब्रोंकी से क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये क्या क्या है, हमारा ट्रैकिया है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।